दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नेक्सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हाँ, जो भी आपने थंबनेल पर पढ़ा वो राइट है, रिवील हो गया है इसका लॉन्च डेट, एक रिपोर्ट में आया हुआ है। क्या है सारी चीजें, स्पेक्स तो पता ही चल गए थे, कल परसों आ गए थे कुछ, वो सारी चीजों पर भी बात करेंगे एंड इसके लॉन्च डेट को भी बताऊंगा मैं, लास्ट तक वीडियो देखना। चलते इसे वीडियो की तरफ, देखते हैं माइक्रोमैक्स के इन का 1A जो है किस दिन लॉन्च होने वाला है। एक्चुअली उस दिन दो स्मार्टफोन आने वाले हैं, सारी चीजें बताऊंगा। चलते हैं इस वीडियो की तरफ और इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, वो भी बात सही है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उसके लिए आपको शाम को एक वीडियो मिलेगा। एक रिक्वेस्ट है मेरे लिए, नहीं किसी और के लिए, कुछ लोगों के लिए रिक्वेस्ट रहेगी उसमें, उसको जरूर देखना एंड जो कहा है कोशिश करना अपनी तरफ से करने की। अब चलते हैं माइक्रोमैक्स के 1A की तरफ जो कि इनका स्मार्टफोन होगा। अभी द इंडियन मोबाइल करके एक वेबसाइट है, अभी उन्होंने रिवील किया है इसके स्पेसिफिकेशन और कल रिवील कर दिया इसका लॉन्च डेट कब होने वाला है। उन्होंने बताया जो रिपोर्ट में बताया गया, पहले कहा गया कि दो स्मार्टफोन आने वाले हैं, एक होगा 2GB 32GB, दूसरा होगा 3GB 32GB एंड दोनों सेम डेट पे ही लॉन्च होंगे। 2GB 32GB वाले में ड्यूल कैमरा का सेटअप होगा, 3GB 32GB वाले में ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा। ड्यूल कैमरा वाला जो होगा वो 13+2 मेगापिक्सल का होगा और फ्रंट साइड में 8 मेगापिक्सल का सेंसर होगा। ट्रिपल कैमरा वाले में 13+5+2 मेगापिक्सल का होगा एंड फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेंसर होगा। ड्यूल वाले में जो है 2GB 32GB उसमें आपको मीडियाटेक G35 का चिपसेट मिलेगा, जबकि अगर आप बात करोगे ट्रिपल कैमरा वाले की जो 3GB 32GB वाले उसमें आपको G85 का चिपसेट आने वाला है। अच्छी चीज है, अच्छा परफॉर्मेंस देगा। 7000 और 9000 के आसपास प्राइसिंग कही जा रही है होगी दोनों की। 9 से 10000 में G85 वाला आएगा एंड 7000 के आसपास G35 वाला आएगा। एक और स्मार्टफोन लिस्ट हुआ था गीकबेंच के ऊपर जिसमें P35 का चिपसेट बताया गया था, लेकिन राहुल शर्मा ने जो कि उनके CEO हैं अपने इंटरव्यू में क्लियर कर दिया कि वो इससे, उन्होंने कहा है कि हम उससे थोड़ा अच्छा सोच सकते हैं, यानी P35 आपको शायद ना मिले। अब मुझे नहीं पता कि क्या फिर लिस्ट हुआ था वहाँ पे, राहुल शर्मा ने डिनाई कर दिया है, जब टेक्निकल गुरुजी के साथ उनका इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि ऐसा, और उन्होंने कहा था कि नवंबर के अर्ली नवंबर में उन्होंने कहा था कि आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। तो सही है, अर्ली नवंबर में ही, द मोबाइल इंडियन की ही रिपोर्ट है कि 2 नवंबर को ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। लॉन्च डेट जो है वो 2 नवंबर को रखा गया है, देखते हैं जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा, लेकिन कहा गया है 2 नवंबर जो पहला लॉन्च डेट होगा इन मोबाइल्स का, वो होगा जिसमें दो स्मार्टफोन आने वाले हैं। उसके बाद और भी स्मार्टफोन आएंगे, दिसंबर तक कहा जा रहा है 4 से 5 स्मार्टफोन आने वाले हैं जो कि 7000 से लेके 15000 के बीच के बजट के होंगे। स्टॉक एंड्रॉयड के साथ होंगे, यानी ब्लूटूथ आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे और एड फ्री होंगे, तो वो एक प्लस पॉइंट रहेगा उनका। देखेंगे जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा, अभी जितने इन्फॉर्मेशन मिले वो आपको फिलहाल मैंने बता दिए हैं, अभी और कुछ ज़्यादा निकला नहीं है। जैसे निकलता रहेगा इन्फॉर्मेशन वैसे ही आपको इसके बारे में मैं बताता रहूंगा। दोस्तों सेल का सीजन है फ्लिपकार्ट या अमेजोन का, एक्स्ट्रा कैशबैक अर्न कर सकते हो दोस्तों, जो आपको SBI का मिल रहा है, HDFC का मिल रहा है, उसके अलावा भी, हाँ गो पैसा की बात कर रहा हूँ। उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऑब्वियसली ऐप गो पैसा का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से जाके, एंड अगर आप उस ऐप पे जाते हो एंड साइन इन करते हो तो वहां पे आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट के आपको माइक्रो साइट्स दिख जाएंगे, उस पर क्लिक कीजिए और वहां से जाके ऐप परचेस कीजिए। एक्स्ट्रा कैशबैक आप कमा सकते हो, जैसे लैपटॉप लेते हो तो उसके ऊपर 2% है, यानी अगर आप 30,000 के आसपास का लैपटॉप लेते हो तो उस पर आपको 600 रुपए के आसपास कैशबैक आएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं जो आपको कैशबैक देंगे जो कि 45 से 60 डेज के बीच में क्रेडिट हो जाएंगे आपके गो पैसा अकाउंट में, जिसको बाद में अगर 250 रुपीज क्रॉस करता है तो आप विड्रॉ कर सकते हो। सेल का सीजन है फ्लिपकार्ट या अमेजोन का, दोनों वेबसाइट्स हैं वहां पे, उसके अलावा और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप जाके चेक करो डील्स, तो आपको SBI कार्ड, HDFC कार्ड के अलावा इसका भी कैशबैक मिलेगा, एक्स्ट्रा कैशबैक अर्न कर सकते हो दोस्तों, जो आपको SBI का मिल रहा है, HDFC का मिल रहा है, उसके अलावा भी, और जितने भी कैशबैक्स हैं उन्हें आप विड्रॉ कर सकते हो, यूज कर सकते हो अलग अलग पर्पस के लिए, देख सकते हो गो पैसा ऐप, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जरूर एक बार ट्राई कीजिए। तो देखते हैं क्या लेकर आता है माइक्रोमैक्स का इन 1A अपने पहले स्मार्टफोन में, 2 तारीख को तो पता चल ही जाएगा अगर लॉन्च होता है तो, एंड काफी तगड़ा वीडियो था राहुल शर्मा वाला, लिटरली बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड देखते हैं, हमारा काम है सपोर्ट करना, इंडियन ब्रांड है, देखेंगे जैसे आएगा, अगर डिस्टर्ब करता है जैसा राहुल शर्मा ने कहा था इंडियन मार्केट को, उस प्राइस रेंज को जिस प्राइस रेंज में आएंगे तो और भी अच्छी चीज़ है, देखेंगे। मेरे हिसाब से डिज़ाइन पे अगर थोड़ा ध्यान देना तो और भी अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि डिज़ाइन पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर,
देखेंगे जैसे आएगा उसके बारे में बता दूंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना बिल्कुल पसंद है। साइड में देखो बैठे में जिस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है इंस्टाग्राम पे आ जाओ, सबको आंसर देता हूँ, आपको भी दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।